व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है मी एंड मी। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खुश और मिडिल क्लास कपल से जो अपने सियोल शहर छोड़कर यहाँ छोटे से गांव में रहने आए हैं। और सियोंग जो कि स्कूल टीचर है, पर उसने अपने अंदर सालों से एक राज छुपा के रखा हुआ है जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। वेल, हर दिन की तरह वो स्कूल से घर आता है जहाँ उसकी वाइफ उसके लिए खाना रेडी करती है। और आज खाने में ली ने काफ़ी कुछ बनाया है जिसे देखकर सियोंग को अपना बचपन याद आ जाता है। वो बताता है कि उसकी माँ ने बहुत ही तकलीफ़ों से उसे पाला और पोसा था। और अपनी माँ की बातें बताते बताते हम देखते हैं कि उसकी वाइफ उसकी माँ में बदल जाती है। वो सेम उसी तरह से खाती है, बोलती है, हंसती है और सियोंग को अपने बेटे समझकर उसका ख्याल रखती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, ये हर रोज़ होता है। ली हर रात किसी और किरदार में ढल जाती है और अगले दिन सब कुछ भूल जाती है। ये उसकी बहुत ही पुरानी बीमारी है और यही वजह है कि सियोंग उसे लेके इस छोटे से गांव में आ गया है, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई भी नहीं जानता जिससे कि उनका मजाक नहीं बनेगा। वहीं ली ने अपना वक्त बिताने के लिए थ्रेडिंग क्लास ज्वाइन कर ली है ताकि उसका ध्यान इन सब बातों से हटा रहे। उसकी टीचर उसकी बहुत तारीफ़ करती हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी सीख रही है। अब घर आके वो सियोंग को अपनी बनाई हुई डॉल दिखाती है तो वो कहता है कि हमें शायद एक फैमिली बनाने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि नहीं, अभी नहीं, अभी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं औरों की तरह नॉर्मल नहीं हूँ। ये बोल के वो उदास हो जाती है तो उसका मूड ठीक करने के लिए वो कॉमेडी करने लगता है, जिसे देख के ली एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में आ जाती है। और इसी बीच उसका पड़ोसी उसे खिड़की से ऐसे करते हुए देख लेता है, पर उसे सब कुछ नॉर्मल ही लगता है, जिस वजह से वो बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे क्लासेस से आते हुए ली की साइकिल खराब हो जाती है, लेकिन रोड पे ही उसे उसका पड़ोसी मिल जाता है जो उसे घर छोड़ देता है और साइकिल बनवा कर बाद में भेजने को कहता है। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है और वो साइकिल लेके इन लोगों के घर आ जाता है, पर उसे इस बारी खिड़की से बहुत ही अजीब चीज दिखती है। ली अपने हस्बैंड का गला घोट कर उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जिसे देख के वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। लेकिन सियोंग उसे देख लेता है और फौरन जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे देखकर और ज़्यादा भागने लगता है। तब जाके सियोंग पहली बार किसी इंसान को अपनी वाइफ की इस बीमारी के बारे में बताता है और इसे सुनकर उसके पड़ोसी को तो यकीन नहीं होता, पर सियोंग उसे वादा देने को कहता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। पर ऐसा दोस्तों कहाँ मुमकिन हो सकता था, आज की दुनिया में कोई किसी से कुछ ना छुपाए। अब धीरे धीरे करके पूरे गांव में ये बात आग की तरह फैल जाती है, जिसके कुछ समय बाद एक पंचायत बैठाई जाती है जिसमें फैसला लिया जाता है कि ली को रात में अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा और उसी रूम की चाबी उसके पड़ोसी को दे दी जाएगी और सुबह ही उस गेट को खोला जाएगा। एक्चुअल में सभी को लगता है कि ली के अंदर कोई आत्मा है और वो हर रात पॉजेस हो जाती है, इसलिए वह ऐसा कर रहे थे। ना चाहते हुए भी उन दोनों को ये बातें माननी पड़ती है और अगर वो बात मानेंगे तभी वो यहाँ पर रह पाएंगे। अब कुछ दिन बाद घर की खिड़कियों पर भी लोहे के गेट लगा दिए जाते हैं और घर को पूरी तरह से पैक कर दिया जाता है। वेल, अब धीरे धीरे ली के लिए रातें काटना आसान नहीं होता और ये सियोंग से देखा नहीं जाता, जिसके लिए वो अपने पड़ोसी हायुक से कह के उसे भी रूम में बंद करने को कहता है क्योंकि वो अपनी पत्नी को ऐसे तकलीफ में नहीं दे सकता है। लेकिन उन दोनों को शायद ये नहीं पता होता कि ये पल उनके लिए आखिरी होने वाले हैं। वहीं बाहर हायुक चाबी लेके अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने चला जाता है जिसका हस्बैंड पुलिस में है। नेक्स्ट डे जब गांव वाले घर का नज़ारा देखते हैं तो वो पूरी तरह से दंग रह जाते हैं। सियोंग का पूरा घर जल चुका था, रात में हायुक के जाने के बाद घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और धीरे धीरे करके आग लगना शुरू हो गई। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं लेकिन बाहर का दरवाज़ा लॉक था और वो उन्हें तोड़ भी नहीं सकते थे क्योंकि वो पूरी तरह से लोहे का था। अब दोनों अंदर ही जल कर भस्म हो गए और शायद इस हादसे में उन गाँव वालों का भी हाथ हो सकता है। वेल, ये तो आगे ही पता चलेगा। अब न्यूज़ को सुन के वहाँ सबसे होनहार इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को बुलाया जाता है जिनका नाम होता है मिस्टर और उन्हें पता चलता है कि घर में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई थी। उनके लिए ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था कि घर के बाहर लोहे के रॉड क्यों लगाए गए हैं और घर को पूरी तरह से पैक क्यों किया गया है, और उन्हें पूरा शक था कि ज़रूर कोई बात है जो गांव वाले उनसे छुपा रहे हैं। उधर हायुक और उसके साथी बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने घर के बाहर लॉक लगाया था, इन्हीं की वजह से उन दोनों की जान गई थी।
अब ये जेल भी जा सकते थे। अब ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको कुछ चीज़ें सोचने पे मजबूर कर देगी, असल में क्या ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए कहानी पर आते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और गांव वाले इतना ज़्यादा घबरा जाते हैं कि उनके बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इस चीज़ को पर्क देख लेता है। उसका शक अब यकीन में बदलने लगा था और उसे लग रहा था कि शायद गांव वालों ने जानबूझकर उन दोनों के घर में आग लगाई होगी क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं करते थे। अब कुछ समय बाद रात हो जाती है और पर्क अपने घर आ जाता है, पर कार पार्क करते हुए उसकी कार एक दूसरी कार से ठुक जाती है और ऐसा करते हुए उसे एक लेडी देख लेती है, जिस वजह से वो एक पेपर पर अपना नंबर लिखकर उस कार पर लगा देता है ताकि वो जो भी हो उसकी भरपाई कर सके। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर पर्क अपनी इस जॉब से कुछ खास खुश नहीं है क्योंकि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते। यहाँ हमें एक और चीज़ पता चलती है कि उसके छोटे बेटे को अस्थमा है, जिसे वो और उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निकल जाते हैं, पर वो देखते हैं कि अभी भी उस कार के वाइपर पर वही पेपर लगा हुआ था। वो पहले तो चारों तरफ देखते हैं और उसके बाद उस पेपर को अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। अब इसके बाद वो हायुक के पास जाते हैं और सियोंग के बारे में कुछ बातें पूछने लगते हैं क्योंकि एक वही है जिसे वो सबसे ज़्यादा करीब था और ऊपर से वो उसका पड़ोसी भी था। पर्क उससे पूछता है कि हमें पता चला है कि लास्ट कॉल तुमने टीचर को करी थी, तो हायुक कहता है कि मैंने बस अपने बच्चे के लिए उन्हें कॉल करी थी। इसके बाद वो एक एक करके सारे गांव वालों से बातचीत करता है, पर सबका जवाब अलग अलग था। अब इस बार पूछताछ से पूरा गांव परेशान हो चुका था, जिसकी वजह से वो लोग घबरा कर मिस्टर पर्क को लियोंग की बीमारी के बारे में बता देते हैं और ये जानना है उसके लिए काफ़ी अजीब था कि कोई आदमी इतने सारे कैरेक्टर में कैसे चेंज हो सकता है। उसे पूरा शक हो रहा था कि ज़रूर कोई गांव वाला इस हादसे के पीछे है और ये लोग एक कहानी बना रहे हैं। अब यहाँ से वो पास के एक कंसल्टेशन रूम में जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि किसी की बर्थडे पार्टी चल रही है। पूछने में पता चलता है कि ये पार्टी विलेज के सबसे बूढ़े आदमी की बर्थडे पार्टी है। उस बूढ़े आदमी को लग रहा है कि अब वो जेल जाने वाला है और वो सभी के सामने कन्फेस करता है कि उसने ही वो लोहे के गेट लगवाने का ऑर्डर दिया था। वो पर्क को भी डिनर करने को कहता है। अब उसकी इस बात से सभी गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि उसने कन्फेस कर लिया था और अब सभी आज़ाद है। अब इसके बाद सभी लोग मिस्टर पर्क को एक पाइन बियर पिलाते हैं जो कि उसी ओल्ड मैन ने खुद बनाई थी। वहाँ बैठे सारे लोग एंजॉय करते हैं और लेट नाइट तक पार्टी चलती रहती है और पर्क इतना ज़्यादा पी लेता है कि उसे अपने घर का रास्ता ही नहीं पता रहता। उसकी एक फ़ोन से आंख खुलती है जो कि प्रिंसिपल का होता है, जो उसे स्कूल आने को कह रहे थे, पर वो रॉन्ग नंबर कह के फ़ोन को काट देता है। लेकिन जब उसकी आँख खुलती है और वो आसपास देखता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। दोस्तों, वो जिस घर में सोया हुआ था वो वही है जिसमें कुछ दिन पहले आग लगी थी। लेकिन सोचने वाली बात यहाँ पर ये थी कि वो घर बिल्कुल ठीक था, ऐसा लग रहा था कि मानो इस घर में कुछ हुआ ही ना हो। और इसी दौरान हायुक गेट खोलते हुए कहता है कि टीचर सॉरी, मुझे यहाँ आने में देर हो गई। अब यहाँ पर को कुछ समझ नहीं आता कि सब उसे टीचर कहकर क्यों बुला रहे हैं। वो परेशान होकर वो सिगरेट पीने की सोचता है, पर उसकी पॉकेट में उसे वही पेपर मिलता है जो उसने कार के वाइपर पर लगाया था। लगाने पे उसे पता चलता है कि दिस नंबर इज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ उसका दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। वो फौरन अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ जाके वो अपना घर का लॉक खोलता है, लेकिन वहाँ पर बार बार उसे एरर कोड बताता है, यानी कि जो पासवर्ड वो डाल रहा है वो भी गलत है। अब तेज़ तेज़ दरवाज़ा पीटने पर अंदर से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और कहता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें क्या चाहिए। पर्क ज़बरदस्ती उसके घर में घुस जाता है, लेकिन ये घर तो उसके घर जैसा लग ही नहीं रहा है। वो चिल्लाता है, लड़ाई करता है कि ये मेरा एड्रेस है, मेरे घर कहाँ गया, जिसे देखकर लोगों को पुलिस को बुलाना पड़ता है और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। अब दोस्तों, यहाँ उसका कोई भी रिलेटिव नहीं था, इसलिए स्कूल प्रिंसिपल आकर उसकी बेल करवाते हैं, वरना वो जेल में ही सड़ता रहता। अब पर्क यहाँ नहीं रुकता, वो वहाँ से सीधा अपने बच्चों के स्कूल जाता है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि यहाँ पर इस नाम का कोई बच्चा है ही नहीं। अब पर्क चिल्लाकर गुस्से में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं खुद उनके साथ उनके फंक्शन में आ चुका हूँ। पर लेकिन वहाँ का स्टाफ साफ साफ मना करता है कि हम आपको नहीं जानते और ना ही आपका बच्चा यहाँ पढ़ाई करता है। अब यहाँ पर की सहन करने की शक्ति खत्म होती जा रही थी, वो हताश होकर उसी घर में आ जाता है जो कुछ दिन पहले जल चुका था। वेल, अब ना तो उसके पास घर है और ना ही उसकी फैमिली, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पर जाए। अब घर पर उसे अकेला बैठा देखकर हायुक आके उसे पूछता है कि टीचर आप स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं।
तो वो उसे थोड़े अजीब सवाल पूछता है जो हायू को समझ नहीं आते, जैसे यहाँ जो सियोंग और उसकी वाइफ रहती थी वो कहाँ पर है, मेरी वाइफ थी वो इस समय कहाँ पर है। वो कहता है कि सर आपकी तो शादी ही नहीं हुई है, आपने ही मुझसे कहा था मुझे रात होने तक यहीं बंद करके रखना क्योंकि आपको हर रात किसी और में बदलने वाली बीमारी है। अब नेक्स्ट डे पर के पास करने को कुछ नहीं होता इसलिए वो स्कूल चला जाता है जहाँ सारे बच्चे उसे टीचर कहकर बुलाने लगते हैं, यानी कि अब उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो टीचर ही है। वो इन सब से बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर स्कूल से भाग जाता है, लेकिन वो भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। वो कुछ शराब और कुछ खाने का सामान लेके हायू के पास जाता है ताकि उसे नशे में करके सच उगलवा सके। अब वहाँ जाके वो उसे अपनी बीती जिंदगी के बारे में बताना चालू करता है कि कैसे उसने पुलिस बनने के लिए इतनी मेहनत करी थी। फिर उसे एक दिन एक केस मिला जिसमें घर में आग लग जाती है, लेकिन जब उसने उस केस को सॉल्व करने की कोशिश करी तो उसका अतीत ही बदल गया, लोग उसे पुलिस से टीचर समझने लग गए। अब ये सारी बातें सुनकर हायू को कुछ समझ ही नहीं आता, फिर भी वो उसकी बातें सुनता है, लेकिन बार बार पर्क के पूछने पर वो एक ही जवाब देता है कि सर आप तो टीचर हैं, शायद आप कोई सपना देख रहे हो। तो पर्क बोलता है कि अगर ये सपना होता तो इतना लंबा कैसे चल सकता था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं पागल हूँ? मैं पागल नहीं हूँ। पर हायुक मानने को तैयार ही नहीं होता, जिसकी वजह से पर्क बहुत ही परेशान होकर उसे मानने लगता है और फिर उसी जगह को आग लगाकर पूरी तरह से जला देता है और भाग जाता है। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरह से आग में भस्म हो जाती है और तभी वहाँ पर्क पहुँचता है। स्ट्रेचर पर बॉडी जाते हुए देख कर वो उसके पास जाता है, पर वो एक हिरन की लाश होती है और हायुक अभी भी जिंदा था। अब वो घबरा जाता है कि असल में ये सब क्या हो रहा है। अब ये सब देखकर पर्क को लगने लगता है कि उसकी दिमागी हालत सच में ठीक नहीं है, वो पागल होता जा रहा है क्योंकि अचानक से इतना बदलाव किसी की ज़िंदगी में आना इम्पॉसिबल है। उसके पास अब वो घर ही बचा था जिसमें सियोंग और उसकी वाइफ रहती थी। वो और सबूतों के चक्कर में उस घर की तलाशी लेने लगता है, पर वहाँ उसे एक कोने पर सिर्फ टीचर के सामान मिलते हैं, जैसे कि आईडी कार्ड, बैंक कार्ड, चेकबुक और ईएमआई ड्राइविंग लाइसेंस। अब यहाँ गौर करने वाली बात ये थी कि इन सारे डॉक्यूमेंट्स में पर्क की फ़ोटो होती है और पर्क हर जगह गलत साबित हो रहा था। उसे लगने लगा था कि जैसे उसका अतीत पूरी तरह से मिट चुका है। अब वो एक बार फिर से हायू के पास जाता है मदद के लिए, लेकिन पर्क को देखकर वो कुछ खास खुश नहीं होता। उल्टा पर्क उसे पूछने लगता है कि मैंने तो तुम पर आग लगाई थी, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? वहीं हायू पहले से ही परेशान होता है क्योंकि उसका ग्रीन हाउस पहले ही जल चुका था। अब वो उसे वहाँ से जाने को कहता है, पर पर्क रोने लगता है और उसे मदद मांगता है। उसे ऐसा रोते हुए देखकर हायुक उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और नेक्स्ट डे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाता है जो उसका दोस्त था। वो उसे उसकी बातें जानने की कोशिश करता है पर ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाता और डॉक्टर उसे कहता है कि जो भी तुमने पास में देखा है वो बस एक सपना था और कुछ भी नहीं। अब वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सपना नहीं वो रियलिटी थी, लेकिन दोस्तों अगर वो रियलिटी थी तो उसकी वाइफ और उसके बच्चे उसका घर कहाँ है। कल इसी तरह से बातें चलते हुए कुछ देर बाद क्लास खत्म होने के बाद जब वो घर की तरफ जाने लगता है तो वहाँ पर उसे उसकी वाइफ दिखती है। जी हाँ दोस्तों, अब उसे देखकर वो बिल्कुल शॉक हो जाता है। उसकी वाइफ एक्चुअल में हायुक की स्कूल फ्रेंड थी और सभी लोग यहाँ पर डिनर करने आए थे। अब उसे देखकर वो कहता है कि उसे भी उसके साथ डिनर करने के लिए जाना है और कुछ ही देर में पर्क अपनी वाइफ के सामने बैठा होता है। उसे लग रहा था कि वो उसे पहचान लेगी पर ऐसा होता नहीं है, असल में वो उसकी तरफ देखती तक नहीं है। वो सबको बताती है कि उसका हस्बैंड का जल्द ही ट्रांसफ़र होने वाला है, तो पर्क उसे उसके बच्चों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि मेरा पहला बेटा जूनियर टीम में है और बहुत अच्छा खेल रहा है। और फिर पर्क उसे छोटे बेटे के अस्थमा के बारे में पूछता है, जिसे सुन के वो थोड़ा सोच में पड़ जाती है और अजीब नज़र से उसे देखती है और कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, उसे ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है। अब सारे लोग पर्क को अजीब तरह से देखने लगते हैं, जिसे वो आगे कुछ बोल नहीं पाता। अब यहाँ से वो सीधा अपना घर जाता है जहाँ वो बहुत ही अकेला महसूस कर रहा था। इसके बाद पर्क उसी ओल्ड मैन के घर जाता है जहाँ उसने वो पाइन बियर पी थी और इसी बियर को पीने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसे लग रहा था कि शायद इसे दोबारा पीने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब वो रात भर वो पाइन बियर पीता है और सुबह जब उसकी आँख खुलती है
तो वो अभी भी टीचर ही था और उसने भी अब मान लिया था कि अब किसी और की जिंदगी उसे जीनी पड़ेगी, इसलिए वो स्कूल चला जाता और उसे लोहे का गेट को भी निकलवा देता है। अब उसे इसी तरह जीना होगा। कुछ समय के बाद उसे वही ट्रेडिंग क्लासेस वाली टीचर लेसन मिलती है जो किसी समय पर ली की टीचर हुआ करती थी। वो उसे देख के कहती है कि आप इतने दोनों से क्लासेस क्यों नहीं आ रहे हैं। अब पर्क ये सुन के शॉक हो जाता है क्योंकि आज तक उसने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा था। अब वहां से जाते हुए उसके पॉकेट से वही पेपर गिर जाता है जिसमें उसका नंबर था, जो कार ठोकने के बाद उसने लिखा था, जिसे लैंसन उठा लेती है और कहती है कि ये तो 2 साल पहले मेरा नंबर हुआ करता था, ये तुम्हारे पास कैसे आया। पर उसे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि ये नंबर पर्क पिछले 15 सालों से यूज़ कर रहा था। अब इसके बाद उन दोनों में ढेर सारी बातें होती है। पर्क के साथ इस समय कोई नहीं था, लैंसन के साथ थोड़ा टाइम बिता के उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था। इसके बाद दोनों एक पब्लिक बाथ टब में जाते हैं जहाँ पे उनके पहुँचने के कुछ देर बाद एक कपल आते हैं जिन्हें देख के पर्क वहाँ से चला जाता है। अब पर्क उस रात डिनर पे लैंसन को इनवाइट करता है जहाँ दोनों में बहुत सारी बातें होती है। लैंसन को लग रहा था कि पर्क उसे पसंद करता है और वो 2 सालों से उसका पीछे है, लेकिन पर्क यहाँ पर अपनी ही परेशानियों में बेहाल है। वेल लैंसन उसे अपना एक राज बताती है कि उसे एक बीमारी है जिसमें वो हर रात किसी और में बदल जाती है, या ये कहें कि उसके सामने जिस भी कैरेक्टर की बात होती है वो उसमें बदल जाती है। ये सुनकर पर्क कुछ भी नहीं बोलता, बस उसे देखता रहता है और कहता है मुझे पता है कि ये कितना ज़्यादा पेनफुल होता है, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। और ये सुनते ही लेनन रोने लगती है, जिसके साथ ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। वेल, ये एक बहुत ही अजीब तरह की कहानी है जहाँ हमें पता नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। जहाँ तक मुझे लगता है कि असली बीमारी पर्क और लेनन को भी है, इसलिए उसे हर रात अलग अलग सपने आते हैं जिनमें वो अलग अलग लोगों की ज़िंदगी जीता है। वेल, इसकी कहानी कुछ शटर आइलैंड जैसी लगती है जिसे ओपन एंडिंग की तरह छोड़ दिया गया है। तो आपको क्या लगता है नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।